मालेगांव शहर में बिजली कंपनी प्राइवेट जो मालेगांव महानगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में हुकूमत महाराष्ट्र ने जो उनको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट मालेगांव शहर का दिया है, वक्त वक्त के ऊपर हम लोगों ने असेंबली में भी आवाज़ उठाई, शहर के अंदर भी आवाज़ उठाई, कई मरतबा एहतजाज भी हम लोगों ने किया। आज हमने एक पत्र एडिशनल एसपी साहब को विशेष रूप से दिया है और बिजली कंपनी को दिया है और प्रांत ऑफिसर को, प्रांत अधिकारी को हमने आज ये लेटर भेजा। चाहे वो दत्त नगर हो, अबूजर गफ्फारी मस्जिद के पास का इलाका हो, या शहर के अलग अलग इलाके हो, चाहे वो रेसिडेंस इलाका हो, मोहल्ला हो, या पावर लूम कारखाना हो, या अलग अलग छोटा मोटा व्यापार करने वाले हो, बिजली कंपनी के स्कॉट, बिजली कंपनी के बाहर के ऑफिसरान और बिजली कंपनी मालेगांव शहर की पुलिस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए 15-15 पुलिस पीआई, एपीआई, पीएसआई को भेजकर और पूरी पूरी गली के मीटर निकाल लेना या पूरे पूरे मोहल्ले के मीटर निकाल लेना या पूरी पूरी डीपी ट्रांसफार्मर ही डायरेक्ट निकाल लेना और जो उनके मन में आए 10 लाख बिल, 5 लाख बिल, 4 लाख बिल का पेनल्टी ठोक देना और बिल उनके हाथ में कंज्यूमर को थमा देना और कंज्यूमर को, शहर की आवाम को परेशान करने का और वहाँ पर बुलाने का काम किया जाता है और उनका मसला हल नहीं होता। आज तक शहर की तमाम ही सियासी पार्टियाँ या पावरलूम तंजीम, अलग अलग संगठना खामोश हैं। हम लोग ये देख रहे थे कि सुधार आएगा, महावितरण जाने के बाद सुधार आएगा, लेकिन और सिस्टम खराब हो गया है। लोड शेडिंग पहले, लोड शेडिंग महावितरण में जितनी थी उससे ज्यादा प्राइवेट कंपनी में हो रही है, लेकिन कंपनी सिर्फ सहूलत नहीं देते हुए सिर्फ पैसा वसूल करने का काम मालेगांव शहर से कर रही है और संगनमत यानी मिली भगत से पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके एक दहशत निर्माण करना आवाम पर पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से। और पुलिस डिपार्टमेंट का कुछ ऑफिसरान का रवैया तो ये रहा कि कंज्यूमर को पुलिस डिपार्टमेंट गालियां भी देता है, धमकी भी देता है, अगर वो एहतजाज करता है, वो बोलता है कि मीटर का यही पंचनामा हो, हमारा मीटर ना निकाला जाए, हमारा मीटर में फॉल्ट नहीं है, अगर ऐसा कंज्यूमर बोलता है तो पुलिस डिपार्टमेंट की माध्यम से दबाने का काम ये शहर के अंदर चल रहा है। और मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है, साफ तौर पर मेरा इल्जाम है कि पुलिस की मिली भगत से पावर कंपनी शहर के अंदर दहशत फैलाकर पैसा वसूल करना चाहती है। अब ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में ये नहीं आता कि पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी शहर का लैंड ऑर्डर को बरकरार रखने में है या किसी का पैसा वसूल करके देने के अंदर पुलिस का इंटरेस्ट है। पुलिस इस बात का खुलासा ये शहर की आवाम के सामने करे। जुमा तक अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना स्क्वाड विड्रॉल नहीं किया, कंपनी ने कार्रवाई नहीं रोका, तो हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की
कि तमाम ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग हम लोग शनिचर या इतवार को लेंगे और हम लोग ये फैसला करेंगे। हमने लिखा है उसके अंदर कि शहर बंद करना पड़े या मोर्चा निकालना पड़े, हमारी मुकम्मल तैयारी है और जुमा तक ये स्क्वाड बंद होना चाहिए, कार्रवाई रुकना चाहिए और नहीं रुकेगी तो जुमा या शनिचर को हम लोग ऐलान कर देंगे। ये बात की नोंद शहर का पुलिस डिपार्टमेंट ले। अगर पुलिस डिपार्टमेंट को अगर कोई सरकार के तरफ से कोई आदेश है या बिजली मिनिस्ट्री तरफ से ऊर्जा मंत्रालय से अगर कोई आदेश है या इनके एग्रीमेंट में ये लिखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से आप दहशत फैला सकते हो, तो कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट ने वो एग्रीमेंट आवाम के सामने प्रेस के सामने लाना चाहिए। और नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट ने यह तरीका संगठन मत करके मिली भगत से शहर को परेशान करना बंद करे। और नहीं तो हम तो पूरा अपने तरीके से एहतजाज करेंगे, हम तो पूरा अपने तरीके से शहर को बंद करने की कोशिश करेंगे। अगर शहर का लैंड ऑर्डर खराब होता है तो इसकी जिम्मेदार मालेगांव शहर पुलिस डिपार्टमेंट और बिजली प्राइवेट बिजली कंपनी होगी। और जानबूझकर जिस शख्स के हाथ में शहर का लैंड ऑर्डर होता है, प्रांत अधिकारी को हमने ये लेटर जानबूझकर दिया है कि प्रांत अधिकारी भी इसकी दखल ले, इसकी नोंद ले और आदेश करे, और नहीं तो मजबूरी में हम लोगों को एहतजाज करना पड़ेगा, शहर बंद करना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार शहर मालिकों पुलिस, प्राइवेट बिजली कंपनी और प्रांत अधिकारी होगी। यह हम साफ तौर पर आज ऐलान करना चाहते हैं। मैं शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूं, बड़ी माजरत के साथ, मसाइल तो हमारे तक बहुत आते हैं, इक्का दुक्का रोजाना आते ही रहते हैं, अभी भी बैठे हैं कुछ लोग, लेकिन शहर बर्दाश्त कर रहा है तकलीफ। लेकिन खुलकर एहतजाज जब ऐलान होता है तो बुनकर या कंज्यूमर नहीं आ पाता। अगर हमको हमारा मसला हल करना है तो इसके लिए शहर की आवाम को भी आना पड़ेगा, शहर की आवाम भी तैयारी कर लेवे एक बड़ा मोर्चा और शहर बंद करने के लिए। यह अपील मैं आपके जरिए शहर की आवाम से करता हूं और पुलिस डिपार्टमेंट तो खास तौर से इस बात की नोंद ले।